खुदा और मोहब्बत ड्रामे की आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे। नाजम शाह ये किसी सूरत पर भी कबूल नहीं कर सकता कि माही फरहाद के बारे में सोचे या उसके बारे में कोई भी बात तक भी करे। वो गुस्से से अपनी वालदा से कहता है कि मैं ये किसी सूरत पर भी बर्दाश्त नहीं करूँगा कि माही अपनी जुबान से फरहाद का नाम भी ले। आप उसे अच्छी तरह से समझा दीजिएगा कि हमारे ऊंचे खानदान की रवायात इस बात की हरगिज इजाज़त नहीं देती कि कोई भी लड़की किसी अजनबी लड़के से बात तक भी करे। माही की वालदा कहती है कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, क्यों तुम अपनी ही बहन के दुश्मन बन चुके हो। पहले तुमने उसकी जिंदगी से तैमूर का खात्मा किया, माही शादी के पहले ही दिन बेवा हो गई, अब तुम फरहाद की जान के दुश्मन क्यों बन चुके हो। क्या तुम्हें अब भी इस बात का अंदाजा नहीं हुआ कि माही और फरहाद एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। हमें सिर्फ इस बात की फिक्र करनी चाहिए कि वो दोनों एक हो जाएं। इधर अगर बात करें फरहाद की, जिसे बाबा सरकार एक ऐसे रास्ते पर लगाना चाहते हैं जो वो खुद नहीं जानता। फरहाद को इस बात का इल्म नहीं कि आखिर वो कौन सा रास्ता तलाश कर रहा है। जब से वो उस दरगाह में आया है उसने खुद को काफी हद तक तब्दील कर लिया है। अगर बाबा सरकार उसकी रहनुमाई न करते तो फरहाद कभी भी खुद को न बदल सकता।